नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज इंडिया में। चेन्नई सुपर किंग्स और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच आईपीएल सीजन 12 का 18वां मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जा रहा था। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने 20 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 160 रन बनाए और किंग्स इलेवन पंजाब की टीम को 161 रनों का टारगेट दिया था। चेन्नई सुपर किंग्स ने किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 160 रनों का स्कोर खड़ा किया। चेन्नई को धीमी लेकिन सदी हुई शुरुआत मिली और उम्मीद थी कि अंत में वह एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाएगी, लेकिन आर अश्विन ने 3 विकेट लेकर उसकी लय खराब कर दी और चेन्नई बड़ा स्कोर नहीं कर पाई। चेन्नई के लिए फॉफ डू प्लेसिस ने सबसे ज्यादा 54 रन बनाए, जिसके लिए उन्होंने 38 गेंदों का सामना किया और 2 चौके के अलावा 4 छक्के लगाए। शेन वॉटसन ने 24 गेंदों पर 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 26 रनों की पारी खेली। अंत में महेंद्र सिंह धोनी ने नाबाद 37 और अंबाती रायडू ने नाबाद 21 रनों की पारियां खेली। पंजाब के लिए आर अश्विन ने 3 विकेट लिए, इनके अलावा कोई और गेंदबाज विकेट नहीं ले सका। चेन्नई सुपर किंग्स की नई ओपनिंग जोड़ी शेन वॉटसन और फॉफ डू प्लेसिस ने अच्छी शुरुआत दी थी और पहले विकेट के लिए 56 रनों की शानदार पार्टनरशिप भी की थी। 8वें ओवर में आर अश्विन ने शेन वॉटसन को सैम कुरैन के हाथों कैच आउट कराकर चेन्नई सुपर किंग्स को पहला झटका दे दिया। इसके बाद अश्विन ने फॉफ डू प्लेसिस और सुरेश रैना को भी पवेलियन लौटा दिया था। एक वक्त था जब चेन्नई का बड़ा स्कोर तक पहुंचना मुश्किल लग रहा था, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी और अंबाती रायडू ने 4थे विकेट के लिए 7 रनों की साझेदारी करी और टीम को सम्मानजनक स्कोर दिया। धोनी ने 23 गेंदों पर 4 चौके और 1 छक्के की मदद से नाबाद 37 रनों की पारी खेली। वही रायडू ने 15 गेंदों पर 1 चौके और 1 छक्के की मदद से नाबाद 21 रन बनाए। वही जवाब में पंजाब की तरफ से लोकेश राहुल ने 55 और सरफराज खान ने 67 रन बनाए, बाकी और कोई भी बल्लेबाज सफल नहीं रहा। क्रिश गेल 5 रन बनाकर हरभजन की गेंद पर धोनी को कैच दे बैठे और वहीं मयंक अग्रवाल हरभजन की गेंद पर फॉक डू प्लेसिस को कैच दे बैठे। वहीं बची खुची उम्मीदें जो थी मयंक अग्रवाल और डेविड मिलर से थी, लेकिन मयंक अग्रवाल 0 रन बनाकर डक आउट हो गए और डेविड मिलर भी 6 रन बनाकर दीपक चाहर ने उन्हें बोल्ड कर दिया था। हरभजन की कसी हुई गेंदबाजी की वजह से चेन्नई ने यह मुकाबला 22 रनों से जीत। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।